हाज़िर नवाखे कराची में खबर दी DHFS 7 में रोड हादसों थो है एक जनो फौती पो है जडे त बजना जख्मी थी पिया अवा के अफसोस ना खबर दी कराची का DHFS 7 में रोड हादसे दौरान एक जनो फौती पो है बो जख्मी थी पो है हादसे सबब 19 वरन जो सोयल फौती पो जडे त काशिफ जख्मी थी पो लाश ए जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो है अवा के खबर दी कराची का DHFS 7 में रोड हादसो थो है एक जनो फौती पो है बो जख्मी है हादसे सबब 19 वरन जो सोयल फौती पो जडे त काशिफ जख्मी थी पो लाश ए जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो है पुलिस चवाए त हादसे की वधिक जांच कई पी वे अवा के अहम खबर दी कराची का DHFS 7 में रोड हादसे दौरान एक जनो फौती पो है बो जख्मी थी पो है हादसे सबब 19 वरन जो सोयल फौती पो जडे त काशिफ जख्मी थी पो है अस्पताल मुंतकिल कयो वियो है इन हवाले से वधिक तफसीलन लाइ लाइन ते मौजूद है कराची मां केटी न्यूज जो रिपोर्टर अब्दुल्ला सोलंगी जी अब्दुल्ला तफसील दीजो जी बिल्कुल कराची के पोश इलाके डिफेंस पे 7 खयाबान शहबाज छोटा मीनार जे वेजो ट्रैफिक हादसों थो है जिनमें बजना एक जनों फौत है एक जनों जख्मी थी फौत वन वाली सुप हुई है पुलिस मुजिब तो वो 19 साल सोहेल है जख्मी थे 24 साल काशिफ है काशिफ वलद वहीद के अस्पताल मुंतकिल किया जिन फौती जो लाश भी हुई जना अस्पताल मुंतकिल किया है ईदी एम्बुलेंस के जरिए मुजिब तो एक्सीडेंट हुआ वो एक गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराया हुआ जो कार वो फरार कामयाब है मोटरसाइकिल वा DHFS 7 में रोड हादसे दौरान एक जनो फौती पो है बो जख्मी थी पो है इतलाबाद पुलिस हादसे वे हंध पची लाश ए जख्मी के खणाए अस्पताल मुंतकिल किया हादसे सबब 19 वरन जो सोयल फौती पो जडे त काशिफ जख्मी थी पो है